हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक जूनियर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था और उस समय शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ था। फाइनली विभाग की ओर से फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मैंने आपसे वादा भी किया था कि जब भी इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सभी को जरूर वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। तो गाइज, आप सभी के लिए अच्छी खबर है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, एग्जाम सिटी हो, क्वालिफिकेशन हो, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सभी itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और ITI सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से फॉर्म को फिल भी कर पाएंगे। और ये 15 तारीख से फॉर्म जो है ये फिलअप स्टार्ट हो जाएगा गाइज। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आएंगे, सब्सक्राइबर के बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड यानी कि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के ओर से रिलीज किया गया है। ये जो डिपार्टमेंट है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रेगुलर जॉब रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहने वाली है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर अपलोड सभी का रहेगा 1/2023 एडवर्टीजमेंट नंबर रहेगा और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं कब से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो ये 15 जुलाई से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और इसका लास्ट डेट है 16 अगस्त 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आप सभी का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा सिलेक्टेड सिटी का, यानी कि जो जो सिटी बनाया गया, मैं आप सभी को सिटी भी बता दूंगा कहां कहां पे एग्जाम होगा ऑनलाइन। तो ये एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा अक्टूबर या नवंबर 2023 में आप लोग का यहां पे कराया जाएगा। आप सभी का ज्वाइनिंग या कब तक अलॉटमेंट हो जाएगा, तो दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक आप सभी का यहां पे अलॉटमेंट या आप सभी का यहां पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जूनियर टेक्नीशियन का कुल यहाँ पे 107 पोस्ट है, अलग अलग ट्रेडों के लिए रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल में टोटल यहाँ पे 41 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में 41 पोस्ट है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों का बंटवारा कर दिया गया, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और सैलरी जो है जूनियर टेक्नीशियन का सभी का पे स्केल सेम है, 18,780 से लेकर 67,390। वहीं पर जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो में 4 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन स्टोर में 4 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन CSD में यहाँ पे देखिएगा 5 पोस्ट है, टर्नर में 1 है, मशीनिस्ट ग्राइंडर में 1 है, वेल्डर में 1 है, फिल्टर में 4 है, इलेक्ट्रीशियन में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 3 है। यहाँ पे टोटल 107 पोस्ट है। एक पोस्ट जो है वो वेलफेयर ऑफिसर के लिए है, वेलफेयर ऑफिसर के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है, वो अलग क्वालिफिकेशन के लिए। IT वालों के लिए कुल 107 पोस्ट है, जो आप लोग का पोस्ट का नाम रहेगा जूनियर टेक्नीशियन। एज लिमिट की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे अपर एज लिमिट 25 साल रखा गया है, लेकिन एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल, OBC कैंडिडेट को 3 साल और PWBD का कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अपर एज लिमिट यहाँ पे 25 साल लगा गया है, 18 से 25 साल। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आप सभी की बात करूँ कि क्या कौन कौन से ट्रेड में ITI चाहिए। तो जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल या कंट्रोल में देखिए कौन कौन सा ट्रेड में ITI रहना चाहिए, फुल टाइम ITI रहना चाहिए, NCVT या SCVD बोर्ड में फ्रेशर वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये दो पोस्टों के लिए यहाँ पे टेक्निकल या कंट्रोल के लिए तो ITI रहना चाहिए। प्रिंटिंग ट्रेड में जैसे कि लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर में या लेटर प्रेस मशीन माइंडर में या ऑफसेट प्रिंटिंग में या प्लेट मेकिंग में या इलेक्ट्रो प्लेटिंग में या आप लोग का प्लेट मेकर का इम्पोजिटर में या हैंड कंपोजिंग में आप लोग का ITI रहना चाहिए, तो ये दो पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। स्टूडियो वाले पोस्ट में यहाँ पर ITI रहना चाहिए, इंग्रेवर में या प्लेट मेकर में आप लोग का रहना चाहिए, स्टोर में आप लोग का ITI रहना चाहिए, फुल टाइम फिटर ट्रेड में NCVT SCVT बोर्ड में तो आप लोग जूनियर टेक्नीशियन स्टोर के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। CSD का पोस्ट है, इसमें भी फिटर ट्रेड वालों को मौका मिला है। बाद बाकी टर्नर का है तो टर्नर पास रहना चाहिए ITI NCVT SCVT बोर्ड से। मशीनिस्ट ट्रेड में है तो मशीनिस्ट ट्रेड में ITI रहना चाहिए, वेल्डर का है तो वेल्डर ट्रेड में रहना चाहिए, फिटर का है तो फिटर में रहना चाहिए ITI NCVT SCVT बोर्ड में, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रहना चाहिए ITI NCVT SCVT बोर्ड से, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आप लोग का ITI पास रहना चाहिए NCVT या SCVT बोर्ड में गाइज। तो ये आप सभी का हो गया क्वालिफिकेशन की बात। बाकी यहाँ पे
इस डिपार्टमेंट में आप लोग को बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छी जॉब है आईटी वालों के लिए। अगर इसमें मिलता है जॉब तो बहुत ही बेहतरीन है गाइस आप सभी के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो क्या एप्लीकेशन फ़ीस या एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाला है, तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं इनको 600 रुपये आप लोग को लगेगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस बोल लीजिए या एप्लीकेशन फ़ीस बोल लीजिए या इंटीमेशन चार्ज बोल लीजिए। और यहाँ पे देखिएगा जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड है या PWD है या एक सर्विस मैन है, यहाँ पे इनको 200 रुपया लगेगा। एप्लीकेशन फ़ीस बोल लीजिए या इंटीमेशन चार्ज बोल लीजिए 200 रुपया लगेगा। तो ये आप सभी का यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस या एग्जामिनेशन फ़ी या इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे रखा गया है। यानी कि जनरल EWS OBC कैटेगरी को 600 रुपया, SC ST PWD एक सर्विसमैन को यहाँ पे 200 रुपया यहाँ पे आप सभी का फीस लगने वाला है। यहाँ पे मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की जूनियर टेक्नीशियन W1 लेवल का, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन CBT परीक्षा के माध्यम से होगा। यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होता है, बस आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होता है। यहाँ पे स्किल टेस्ट कोई भी नहीं होता है, बस ऑनलाइन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छा मार्क्स रहेगा तो आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो टेक्निकल का रहेगा, जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का ट्रेड थ्योरी का आप लोग का ऑब्जेक्टिव MCQ 60 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये 90 मार्क्स का रहता है। तो ये बेहतरीन चीज़ है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.5 मार्क का होता है। बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ देखा गया है इस विभाग में कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। 60 क्वेश्चन ही पूछेगा लेकिन वो आप लोग को 90 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आप लोग टोटल अगर 60 सही कीजिएगा तो 90 मिल जाएगा, चूँकि एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का है। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और मैथ रहेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। यानी टोटल आप लोग का 120 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा। 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का सभी का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये एक अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग कोई भी यहाँ पे नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोग का इस एग्जाम में। और ये आप सभी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इनमें जिन कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा हाई स्कोर रहेगा उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। देन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, देन आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ कि CBT कहाँ कहाँ पे बनाया गया है, तो आप लोग का ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा CBT, तो यहाँ पे देखिए ये सभी एग्ज़ाम CBT बनाया गया है, या आप सभी को सिलेक्ट करना होगा। आप लोग का 1 एग्ज़ाम CBT आप लोग को चूज करना होगा। तो देखिए कौन कौन सा CBT शहरों को बनाया गया, तो नासिक हो गया, मुंबई है, थाने है, नवी मुंबई है या MMR है, उसके बाद दिल्ली NCR है, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया और कोलकाता हो गया। तो इन सभी जगहों पे यहाँ पे आप एग्ज़ाम CBT बनाया गया, इनमें से आप लोग को कोई एक एग्ज़ाम CBT चूज करना होगा, वहीं पे आप सभी का एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। तो गाइज ये एक अच्छी बात है कि एग्ज़ाम CBT बता दिया गया है। तो बाद बाकी ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है, तो जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं ITEducation.com वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो फाइनली विभाग की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। बाद बाकी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया कि किस तरह का आप लोग को वर्क करना रहेगा, एक मतलब ओवरव्यू बता दिया गया है। देखिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जूनियर टेक्नीशियन का, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सभी ट्रेड का अलग अलग वाइज बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन का भी बताया गया है क्या किस तरह का वर्क आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आप सभी रीड कर सकते हैं। तो गाइज जो कैंडिडेट IT पास है, NCVT SCVT बोर्ड है, फ्रेशर है, वो कैंडिडेट के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी निकल कर आया है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड की ओर से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।